आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले एक युवक को रीवा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरे मामले के ट्रायल में यह बात समझ में आ गई थी कि महज दहेज के लिए आरोपी ने यह कदम उठाया था। रीवा में आज 13वें अपर एवं सत्र न्यायालय उपेंद्र देशवाल की न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ फैसला देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजन नीलगिरी पांडे ने बताया कि 16 अप्रैल 2017 को गोदरी थाना गढ़ में प्रेमवती प्रजापति की खून से लथपथ हालत में लाश मिली थी, जिसकी सूचना थाने में खुद उसके ससुर बैसाखू प्रजापति के द्वारा दी गई थी। प्रथम दृष्टिया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, लिहाजा संबंधित पुलिस के द्वारा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि प्रेमवती की हत्या गला दबाने से की गई है, लिहाजा संदेह के आधार पर पति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद न्यायालय में मामला चला। मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि आरोपी ने पहले पत्नी का गला दबाया था, इसके बाद चाकू से 8 हमले किए गए थे। आज न्यायालय में कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या मामला था? मामला इस प्रकार है कि आज माननीय अपर 13वें अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री उपेंद्र देशवाल साहब के न्यायालय से आरोपी लालजी प्रजापति पिता बैसाखू प्रजापति निवासी गोदरी थाना गढ़ को धारा 302 में आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना ये है कि 16/4/17 एवं 17/4/17 की दरमियानी रात मृतिका प्रेमवती जो आरोपी की पत्नी है दोनों कमरे में सोए हुए थे। सुबह जब उसका ससुर बैसाखू जगा तो देखा कि खून से लथपथ मृत हालत में उसकी बहू प्रेमवती पड़ी हुई है, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गढ़ में किया। थाना गढ़ ने आरोपी के विरुद्ध 304(b)(498A) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया है ना, और उसका विचारण माननीय न्यायालय में हुई, जिसमें 14 साक्षी परीक्षित कराए गए। मृतिका के शरीर में कुल 8 चोटें जो चाकू की पाई गई थी, और पीएम रिपोर्ट से ये प्रमाणित है कि और साक्षियों के कथनों से ये प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने ही मृतिका को चोट पहुंचाई है। और पीएम रिपोर्ट में मृतिका की थायराइड कार्टिलेज हड्डी टूटी हुई थी और डॉक्टर का कहना था कि इसकी गला दबा करके हत्या की गई है, जिसके कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादावी के अंतर्गत आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई और 498A दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोपी को। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। धन्यवाद।